आज मैं पानी फल का रेसिपी बनाने जाती हूँ। इसे सिंघाड़ा भी बोलते हैं और पानी फल भी बोलते हैं। ये पानी के अंदर में होता है, ये ठंड का समय होता है, तो मैं आपको इसका रेसिपी बना के बता रही हूँ। बहुत ही टेस्टी बनता है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, सिंघाड़े को मैं छील लूँगी। इस तरह करके आप सिंघाड़े को छील लीजिए। देखिए इस तरह थोड़ा काट के इसको हाथ से इसे छील लीजिए। देखिए छीला गया। अब एक और तरीका होता है, इसको आप बीच से कीजिए और इसको इस तरह से छील कर मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए कितनी आसानी से छिल जा रहा है। अच्छी तरह से छील ली और इसको धो ली। समय से समय ले क्या कीजिएगा, छीलने का पहले भी अच्छी तरह से धो लीजिएगा और छीलने के बाद भी धो लीजिएगा, क्योंकि ये पानी के अंदर होता है, मिट्टी उट्टी लगा होता है। तो चलिए ये मैं छील ली हूँ, अब इसको अलग कर देती हूँ। अब मैं इसका मसाला बना रही हूँ। मैं 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर दे रही हूँ और 1/2 से कम हल्दी पाउडर, और ये मिर्ची है तीखी वाली, इसको भी 1/2 दे रहे हैं, और धनिया पाउडर 1 टीस्पून दे रहे हैं, और इसमें मैं कस्तूरी मेथी भी डाल दूँगी। और इसको मैं पानी डालकर इसको मिक्स कर देती हूँ ताकि मसाला अच्छी तरह से घुल जाए। ये देखिए मसाला अच्छी तरह से घुल जा रहा है। और इसके बाद मैं क्या की हूँ, यहाँ पर 2 प्याज को कद्दूकस कर दी हूँ। आप चाहे तो इसको पीस भी सकते हैं। और इधर मैं 2 टमाटर को पीस ली हूँ। यहाँ मैं अदरक लहसुन और 2 हरी मिर्च को पीस ली हूँ। अब चलिए मैं आपको अब बनाकर दिखा रही हूँ। तो अब मैं जो 2 प्याज को कद्दूकस की थी, अब इसमें डालकर मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। जब ये लाल हो जाएगा तब मैं मसाला डालूंगी। देखिए प्याज ब्राउन हो गया है। अब इसमें मैं अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डालकर इसको भी भून लूंगी। अच्छी तरह से भून लूंगी ताकि अदरक लहसुन का स्मेल चला जाए। देखिए अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट भी अच्छी तरह से भुन गया। अब इसमें मैं ये जो मसाला को पानी में डाल कर रखी थी, धनिया जीरा हल्दी मिर्ची, ये सबको इसमें मिक्स कर दे रही हूँ, और इसमें कस्तूरी मेथी भी डाली थी, और इसको भी अच्छी तरह से भून लेते हैं। जब तक तेल ना अलग हो जाए तब तक इसको इस तरह भूनना ही है। देखिए ये मसाला भी अच्छी तरह से भून गया और तेल देखिए अलग दिखाई देने लगा। अब इसमें मैं ये जो 2 टमाटर पीसी थी इसे मैं डाल देती हूँ। इसे भी डालकर अच्छी तरह से भूनना है, और इसको मैं अभी ढक दे रही हूँ। देखिए टमाटर अच्छी तरह से भून गया है। अब इसमें मैं ये सिंघाड़े को डाल दूँगी और इसको डालकर अच्छी तरह से भूनना है, और इसी में मैं थोड़ा ये धनिया की पत्ती भी डाल दी, और इसमें मैं स्वाद अनुसार नमक डाल दिए। अब इसको अच्छी तरह से भूनना है। इसको मैं ढक ढक के 10 मिनट तक भूनूंगी। देखिए मसाला और ये सिंघाड़ा अच्छी तरह से भुन गया है। अब इसमें मैं पानी डाल दूँगी। आप अपने ग्रेवी के अनुसार पानी डालिए। मैं 1 गिलास पानी डाल दूँ, और इसी में मैं थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल दी और 1/2 टीस्पून गरम मसाला डाल के इसको मिक्स कर दें, और इसका कवर लगा देते हैं। 3 सीटी लगाना है। तीन सीटी हो गया था, अब कुकर ठंडा हो गया। मैं कुकर को खोल रही हूँ। देखिए सब्जी तैयार हो गई है। अब मैं सर्व करके आपको दिखा रही हूँ।
ये देखिए सब्जी तैयार हो गई है। इसे आप चावल, पूड़ी, रोटी, पराठा किसी के साथ खा सकते हैं। एक बार आप भी देखा सब्जी बनाइए, पानीपत का बहुत टेस्टी बना हुआ है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।